शर्मा को आया गुस्सा। मैं गांधी परिवार का नौकर नहीं हूँ। अमेठी में शर्मा और ईरानी आमने सामने। 24 के रण में अमेठी की गद्दी पर कौन बैठेगा? कांग्रेस ने अमेठी से अपने सबसे खास और ईमानदार को मैदान में उतारा है। राजीव गांधी की उंगली पकड़कर अमेठी आए KL शर्मा, अब कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है और अब उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अब उन्हें कांग्रेस को उनका पुराना गढ़ जीतकर वापस दिलाना है, जिसके लिए वो दम भर रहे हैं। वहीं स्मृति ईरानी दोबारा जीत का दावा भी कर रही है। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोर लाल शर्मा ने कहा, मैं नेता हूँ, गांधी परिवार की नौकरी नहीं कर रहा, कांग्रेस से कोई तनख्वाह नहीं लेता हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो स्मृति ईरानी से बड़ी हैसियत रखता था, मैं स्मृति को हराऊंगा। एक बार आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं यहाँ कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ गांधी परिवार के, उसमें मैं पॉलिटिशियन हूँ। मैं यूथ कांग्रेस से 1983 में यहाँ पे आया था, यूथ कांग्रेस के द्वारा चुन के, ठीक है। कोई कांग्रेस से एक सैलरी नहीं लेता हूँ कि कोई तनख्वाह लेता हूँ, शुद्ध रूप से पॉलिटिशियन हूँ, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि ये वो, इनसे बड़ी शायद अब नहीं होगी बड़ी, लेकिन जब मैं आया था इनसे बहुत बड़ी हैसियत में रखता था तब, ठीक है। क्योंकि जिसको जैसे संस्कार मिलते हैं वो वैसा ही संस्कार वो प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। कोई फोटो निकाल लीजिए एक बार 2000 पिछले इलेक्शन की, आपको पता लग जाएगा क्या था। आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोर लाल शर्मा ने कहा, ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व का था, पहले तय नहीं था कि अमेठी से कौन लड़ेगा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी को मैं भी हराऊंगा। मैं ये बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं यहाँ गांधी परिवार की नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं नेता हूँ। मैं यूथ कांग्रेस के दौरान 1983 में यहाँ आया था, मैं कांग्रेस से कोई तनख्वाह नहीं लेता हूँ, मैं शुद्ध रूप से नेता हूँ। जब आया था इनसे बहुत बड़ी हैसियत रखता था, जिसको जैसे संस्कार मिलते हैं उसको वो वैसे ही प्रदर्शित करता है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी दूसरी बार यहाँ जीत का दम भर रही है। अब देखना होगा कि अमेठी की जनता के दिल में क्या है और अमेठी का ताज वो किसे सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।